इस तरीके से मथुरा के पेड़े हमने अच्छे से बना लिया है। आप भी बनाइए घर पे बिल्कुल इजी तरीके से। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मावा बना लिया है हमने गाय के दूध का। अब ये पेड़े बनाऊंगी। इसमें मैंने दूध जब गाढ़ा होने लगा था तभी मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा मीठा डाल दीजिए। मैंने चीनी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चला लेंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए, जब से मावा हमारा सूख ना जाए तब तक इसी तरीके से चलाते रहे। देखिए अच्छे से हो गया है। अभी क्योंकि ठंडा होगा तब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी मैं अब इसको गैस बंद कर देती हूँ और इसे उतार लेती हूँ, ठंडा होने देती हूँ। फिर आपको पेड़ा बना के दिखाती हूँ, गाय के दूध का पेड़ा, मथुरा वाला बिल्कुल स्पेशल पेड़ा। बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसको। मावा बनाते बनाते ही देखिए कलर परफेक्ट आया है। मैं ना कोई कलर डाला है ना कुछ, बनाते बनाते ही कलर आ गया है इसमें। मथुरा का प्रसिद्ध पेड़ा बनाएंगे बिल्कुल गाय के दूध का। और सोमवार है, व्रत है और भोग लगाएंगे भगवान जी का। तो चलिए इस तरीके से बनाते हैं मथुरा के गाय के दूध का स्पेशल पेड़ा। में डालेंगे इलायची पाउडर। अच्छे से हो चुका है, अब मैं उतार देती हूँ, ठंडा होने देती हूँ, फिर बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए मावा हमारा ठंडा हो गया है अच्छे से। हम ऐसे गोल गोल बना लेंगे, अच्छे से गोल गोल बना लेंगे। आपके पास यदि पेड़ा बनाने का है तो बना लीजिए, नहीं गोल बनाने के बाद आप देखिए इस तरीके से ऐसे कर देंगे। इसी पे थोड़ा सा आप पिस्ता लगा लीजिए, चाहे बादाम लगा लीजिए या तो काजू लगा लीजिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं पूरा बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से मथुरा के पेड़े हमने अच्छे से बना लिया है। आप भी बनाइए घर पे बिल्कुल इजी तरीके से। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।